हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एम्फी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो काफ़ी शार्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के 5th चैप्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी वैद्युत चालन के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वह है धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। जो दूसरा टॉपिक है वह है गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स में जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और हम लोग जानेंगे धारा घनत्व और गतिशीलता क्या होता है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में यानी कि करेंट डेंसिटी के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम आपको एक ऐसा चालक दे दें, ठीक है, चालक का आकार कुछ इस प्रकार से हम आपको दे दें और इस चालक में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कराएं, ठीक है, यहाँ से हम लोग धारा को प्रवाहित करा रहे हैं, तो इन तीनों जगहों में, यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों जगहों में धारा का मान अलग-अलग होगा कि एक होगा? आप बताइए। यहाँ पे और यहाँ पर जो धारा का मान होगा वह एक होगा कि अलग-अलग होगा? तो इन तीनों जगहों पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों जगहों पर आवेश, सॉरी, जो वैद्युत धारा का मान है वह क्या होगा? समान होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से हम लोग 10 लीटर जल को प्रवाहित कर रहे हैं, वाटर, ठीक है, तो यहाँ भी 10 लीटर पानी बहेगा, यहाँ भी 10 लीटर और यहाँ भी 10 लीटर, ठीक है, तीनों जगह 10 लीटर पानी ही प्रवाहित होगा, ठीक है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तीनों जगह कितना जल प्रवाहित होगा? 10 लीटर ही प्रवाहित होगा। उसी प्रकार से जब जल का मान नहीं बदल रहा है तो धारा का भी मान यहाँ पे बदलने वाला नहीं है। धारा का मान कब बदलता? जब रूट चेंज हो जाता, यानी धारा ऐसे जा रही है और इसी में एक ऐसा रूट हो जाता, ठीक है, तब क्या होता? धारा का मान चेंज हो जाता। लेकिन धारा का मान यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह धारा का जो मान होगा वह क्या होगा? समान होगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं धारा होता क्या है। धारा कहते किसे हैं? धारा होता है आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, यानी कि जब आवेश गति करते हैं उसी का रेट निकाला जाता है, दर निकाला जाता है, तो जो आता है उसको कहते हैं धारा। यानी इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी तो आवेश भी गति कर रहा होगा। तो चलिए मान लेते हैं इसमें कुल मिलाकर के इस प्रकार से आवेश गति कर रहा है। हमने सपोज क्या किया कि 5 आवेश हैं जो गति कर रहे हैं, जिनके कारण धारा भी प्रवाहित हो रही है। देखिए, जब धारा यहाँ पहुँचेगा तो 5ों आवेश इतने भाग में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, ठीक है। जब धारा यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, इस वाले भाग में, इस वाले में तो 5 आवेश है, तो 5ों आवेश इस वाले भाग में क्या होंगे? फैल जाएंगे। फिर जब धारा यहाँ से इसमें पहुँचेगा तो यही जो 5 आवेश हैं इसमें कुछ इस प्रकार से फैलेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ अंतर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये जो 5ों आवेश थे वह छोटे सी ही भाग में फैले, लेकिन यहाँ पर आवेशों का जो फैलाव है वह बड़े जगह में हुआ। उसी प्रकार से ये 5 आवेश जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये और बड़े जगह में कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगे, ठीक है। आवेश कितना है? 5, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 5 ही आवेश है, लेकिन यहाँ पे एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, कम है। क्षेत्रफल कम है यानी कि कम क्षेत्रफल में, कम जगह में यहाँ आवेश क्या हुआ है? वितरित हुआ है, यानी कि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है या फिर आप कहिए यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आवेश है वह क्या है? इससे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी इससे ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, यानी यहाँ पर जो आबादी है वह थोड़ी कम है, ठीक है, यानी यहाँ पर आबादी कम है, यहाँ पे डेंसिटी यहाँ की तुलना में क्या है? कम है। उसी प्रकार से यहाँ और ज़्यादा जगह में ये 5 आवेश फैले हुए हैं, यानी कि यहाँ की आबादी और भी कम है, या फिर हम कहें यहाँ की डेंसिटी घनत्व तो क्या है? और भी कम है।
तो यहां यहां और यहां इन तीनों में क्या अंतर है? यहां पांचों आवेश कम जगह में फैले हुए हैं, इसका मतलब आबादी यहां बहुत ज्यादा है, यानी कि घनत्व तो यहां पे बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से यहां पे थोड़ा सा विस्तार हुआ, जगह ज्यादा हुआ, आबादी कम, ठीक है। यानी कि यहां पे जो डेंसिटी है वह क्या हो गई? थोड़ी सी इसकी तुलना में कम, और यहाँ पे जो डेंसिटी है, यहाँ पे जो घनत्व है, और भी कम हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में जो धारा का मान है वह क्या है? समान है। तो इन तीनों जगह अलग अलग क्या है? इन तीनों जगह धारा का जो घनत्व है वह अलग अलग है। इन तीनों जगह अलग अलग क्या है? धारा का घनत्व। धारा का घनत्व मतलब ये जो आवेश है वह कितनी जगह में कितना फैले हुए हैं। धारा का घनत्व मतलब क्या? आवेश जो है वह कम क्षेत्रफल में फैले हुए हैं कि ज़्यादा क्षेत्रफल में? अगर कम क्षेत्रफल में ज़्यादा आवेश फैले हुए हैं तो उसका मतलब हुआ घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ यहाँ और यहाँ इन तीनों जगह में क्या अंतर है? यहाँ पे जो घनत्व है ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और भी कम। तो जो किसका घनत्व हम बात कर रहे हैं? आई का घनत्व, धारा का घनत्व, ठीक है। तो धारा के घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जे का मान अलग होगा, सपोज करते हैं जे वन है, यहाँ पे जे टू है, यहाँ पे क्या है? जे थ्री है, ठीक है। यहाँ पे जे वन का मान क्या होगा? ज़्यादा। जे वन क्या होगा? सबसे ज़्यादा। उसी प्रकार से जे टू उससे कम, जे थ्री सबसे कम हो जाएगा। तो धारा का घनत्व क्या होता है? धारा का घनत्व किसे कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि किसी चालक के किसी बिंदु से, ठीक है, किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। यानी कि ये सपोज कीजिए, ये वाला भाग हमने ले लिया, इससे जो वैद्युत धारा गुजर रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो वैद्युत धारा, अगर इसका एरिया है ए, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? ए है। तो इसका जो धारा घनत्व जे होगा वह हो जाएगा, अगर आई धारा बह रही है तो हो जाएगा आई अपॉन ए, ठीक है। धारा घनत्व की परिभाषा कैसे देंगे? कहेंगे कि किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, ठीक है, अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन आप लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जे क्या होता है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। धारा घनत्व का मान हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समझा। धारा घनत्व का तात्पर्य क्या होता है? कि धारा जो है वह कम क्षेत्रफल में है कि ज़्यादा क्षेत्रफल में है। अगर कम क्षेत्रफल में धारा ज़्यादा है, या फिर आप कहें कि कम क्षेत्रफल में आवेश ज़्यादा गति कर रहे हैं, तो जीवन का मान क्या होगा? ज़्यादा। ज़्यादा क्षेत्रफल है, आवेश कम है, तो कम हो जाएगा जे का मान, ठीक है। तो धारा घनत्व को कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर जगह बहुत ज़्यादा है, आबादी रहने वाले बहुत कम है, तो धारा घनत्व का मान भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ए का मान ज़्यादा होगा, ए का मान अगर ज़्यादा होगा तो जे का मान क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या पा रहे हैं कि अगर ए का मान ज़्यादा होगा तो जे का मान क्या आएगा? कम होगा, ठीक है। तो धारा घनत्व की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? धारा घनत्व की डिफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को किसे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए, ठीक है। जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। अब इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा आप बताइए? इसका मात्रक आई का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो धारा घनत्व का जो मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। आप लोग जानते रहिए
कि जो धारा घनत्व होता है वह एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, और इसकी जो दिशा होती है वह धारा के बहने की दिशा होगी। अगर यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे कि धारा घनत्व, यहाँ पे धारा घनत्व की दिशा क्या होगी, तो जिस दिशा में धारा बह रहा है, ठीक है, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी की जो दिशा होगी वही धारा घनत्व की भी दिशा होगी। तो धारा किस दिशा में बह रहा है? इस दिशा में। तो धारा घनत्व की भी जो दिशा होगी वह कौन सी होगी? वही वाली होगी, ठीक है। तो धारा घनत्व कैसी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा वैद्युत धारा के बहने की दिशा होती है, या फिर आप कहिए कि धनावेश के बहने की दिशा होती है। हम लोग जानते हैं धनावेश के बहने की ही दिशा वैद्युत धारा की भी दिशा होती है। तो धारा घनत्व की दिशा भी क्या होती है? वैद्युत धारा के बहने की ही दिशा होती है। अगर हम इसका विमा लिखना चाहें तो विमा क्या हो जाएगा, आप बताइए? यहां से धारा की विमा ए एल माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? धारा घनत्व की विमा हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ें हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम कहें आपको z बराबर क्या है, I अपॉन a, हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्या होता है, कल ही हमने पढ़ा था वैद्युत अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। कल हमने पढ़ा था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, हमने I का मान निकाला था N E A B D। I का मान हमने कल निकाला था, कब निकाला था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच जब हमने संबंध निकाला था, तो यहाँ से I का मान प्राप्त किया था। I का मान यहाँ पे उठा करके रखेंगे तो J इज इक्वल टू हो जाएगा N E A B D के बट्टे A, A A से कैंसिल हो जाएगा, J इज इक्वल टू हो जाएगा N E इंटू V D, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध को बताता है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, हालांकि नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? एक छोटा सा लेक्चर होगा गतिशीलता के बारे में, और आई होप ये जो आपको बताया गया है धारा घनत्व, ये आप समझ गए होंगे, इजी है। थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में जानते रहिए, डेंसिटी क्या होता है धारा का, घनत्व क्या होता है। चले अब जानते हैं मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता क्या होता है, मोबिलिटी क्या होती है? देखिए मोबिलिटी, कोई चालक है, हम लोग जानते हैं ये कोई चालक है, और इस चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है गति करने की भी अनियमित होती है, वो रैंडम गति करते हैं, किसी भी दिशा में गति करते हैं। लेकिन जब हम इनको बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है, तो इस दिशा में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले बैटरी जब नहीं जोड़े थे तो इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे थे, रैंडम गति, अनियमित गति, यादृच्छिक गति। लेकिन जब हमने बैटरी से जोड़ दिया तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गति होगी इनकी, ठीक है, ये किस किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, अति सूक्ष्म नियत वेग से, और यह जो नियत वेग होता है उसको कहते हैं वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस चालक को जब एक बैटरी से जोड़ा तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वैद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत वाली दिशा में अति सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस अति सूक्ष्म नियत वेग को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग। जो गतिशीलता आपका होता है उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए गतिशीलता बराबर होता है आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिला है अनुगमन वेग, इस अनुगमन वेग में हम लोग किसका भाग दे देते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है।
तो गतिशीलता क्या होगा? अनुगमन वेग की बटी वैद्युत क्षेत्र। गतिशीलता की परिभाषा एकदम नॉर्मल भाषा में कैसे देंगे? अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। अनुगमन वेग को भी डी से। वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है? ई। तो गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी डी के बटे ई। ठीक है, गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी डी के बटे ई। ठीक, तो ये जो म्यू होता है वह सदैव धनात्मक होता है। म्यू का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि गतिशीलता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका जो मान होगा वह सदैव धनात्मक होगा। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका जो मात्रक होगा वह आपका होगा मीटर स्क्वायर पर बोल्ट। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर बोल्ट। तो ये छोटा सा आपका था गतिशीलता के बारे में। गतिशीलता के बारे में हमने क्या देखा कि जब हम बैटरी किसी चालक को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो धनावेश ऋणावेश की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अति सूक्ष्म नियत वेग से इस वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस अति सूक्ष्म नियत वेग को भी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और ये वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है इस अनुपात को कहा जाता है गतिशीलता। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, भी डी अपॉन ए। ठीक है, म्यू हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर पर बोल्ट होता है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में जो दो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, पहला टॉपिक था धारा घनत्व, दूसरा टॉपिक था गतिशीलता, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।